अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लेट्स, पेट्री प्लेट्स में डिफरेंट किस्म के कल्चर्स जो काम के बाद हमारी पेट्री प्लेट्स में ग्रो हो चुके होते हैं, उनकी डिस्कार्डिंग किस तरह से की जा सकती है, डिस्कार्डिंग का सही तरीका। तो उसमें आप सबसे पहले देखें, जब हमारा माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है, हमारे कल्चर्स ग्रो कर चुके होते हैं, वो कल्चर्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, बैक्टीरिया के हो सकते हैं, फंगस के हो सकते हैं, मिक्स कल्चर्स भी हो सकते हैं, यीस्ट भी हो सकता है, एक प्लेट में कई ज़्यादा कल्चर्स भी हो सकते हैं, वो डिस्कार्डिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कल्चर जो है हम अपने लैब में रख दें और इनको हम ऐसे ही वॉश ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मीडिया प्लेट्स हैं और उस पर ग्रोथ हुई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के फंगस और बैक्टीरिया ग्रो हो चुके हैं और यीस्ट भी ग्रो कर चुकी है, और ये अब डिस्कार्डिंग के लिए ज़रूरत है। अब हमें इन ग्लास प्लेट्स को रीयूज़ करना है और उसके लिए हमें इनके डिस्कार्डिंग रिक्वायर्ड है। ये सारी की सारी प्लेट्स डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इनको हम सिंपल सिंक में वॉश नहीं कर सकते। इसका डिस्कार्डिंग का तरीका ये है कि हमेशा इनके स्टैक को सीधा रखा जाता है, और उसके लिए दो किस्म के आम पॉलीथीन बैग या लिफाफे लिए जा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर के एक नहीं दो हों और इसका स्टैक बनाया जाए तो वो बेहतर होता है। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि स्टैक डिस्कार्डिंग के लिए हमेशा सीधा हो, कभी भी प्लेट्स का स्टैक को उल्टा नहीं रखते, इसलिए क्योंकि जैसे ही उसमें ऑटोक्लेव होगा और उसकी डिस्कार्डिंग हो जाएगी तो मीडिया मेल्ट कर जाएगा, और अगर आपने प्लेट्स उल्टी करके रखी हुई होंगी तो सारे का सारा जो मीडिया है वो उसमें से ड्रेन आउट हो जाएगा और वो ऑटोक्लेव को ब्लॉक कर देगा और उसको कंटामिनेट कर देगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आपने प्लेट्स को डिस्कार्ड करना है वॉश करने से पहले, उसके मीडिया को डिस्कार्ड करना है, कल्चर्स को डेड करना है, तो उसके लिए प्लेट्स को हमेशा आपने सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद हम इसके लिए इसको एक पॉलीथीन बैग में डाल देंगे इस तरह से। हम चाहें तो इसको इस तरह से पैक करके इसकी घिरा भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो इसको घिरा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से मूव कर रही हैं, फ्री फ्लोट कर रही हैं, इसका मतलब है ये इसमें ड्रेन कर सकता है। तो इसको टाइटली पैक करने के लिए और शॉपर जो है वो कट भी सकता है, तो इसलिए हम इसकी कोशिश करते हैं कि इसको हम एक के बजाय एक से मुख्तलिफ शॉपर में डाल दें डबल में, और उसके बाद इसकी घिरा लगा कर इसकी हवा रिमूव की जाएगी, और उसके बाद हम इसको टेप से टाइटली पैक भी कर देंगे ताकि प्लेट अपनी जगह से मूव ना करें। इसके लिए भी हम ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप लगाएंगे ऑटोक्लेव की, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि ये चीज़ डिस्कार्ड भी हो चुकी है, तब इसकी स्ट्रिप्स हो जाएंगी। इस पे आप अपना कोई भी लेबल दे सकते हैं, और इसी तरह हम अपनी प्लेट्स को डिस्कार्डिंग के लिए रखेंगे। और ये बात मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि प्लेट्स को हमेशा सीधा रखते हैं, इन्वर्टेड नहीं रखते हैं। जो प्लेट्स हमें ऑटोक्लेव करनी होती है, जो साफ़ प्लेट्स हमें ऑटोक्लेव करनी होती है स्टरलाइजेशन के लिए, उनको हमेशा हम इन्वर्टेड रखते हैं ताकि उनमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए ऑटोक्लेव में। लेकिन जो हमें प्लेट्स मीडिया की डिस्कार्ड करनी होती हैं और हम चाहते हैं कि उसका मीडिया स्टरलाइज हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए, डिसइनफेक्ट हो जाए, उनको हमेशा हम सीधा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि डबल पैक करें ताकि मीडिया की लीकेज ना हो। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए और माइक्रोबायोलॉजी के से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।